सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की। तो आईआईटी दिल्ली हमारे न्यू दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में भी इसे सेकेंड टू एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। अब कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे जैसे कॉलेजेस का भी अभी रिव्यू वीडियो देखकर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब रिव्यू वीडियो तो इसलिए देखते हैं ना कि ये बढ़िया है, इसमें खराब क्या है, अच्छा क्या है। मेरा तो बस सपना है कि बस ये तीनों कॉलेजेस में कोई मिल जाए और ले लूं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि अगर ये तीनों ही मिल रहे हूँ तो इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करें। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इन तीनों के ही रिव्यू वीडियो में मैं बता दूं कि किन केसेज में आईआईटी बॉम्बे और कब दिल्ली और कब मद्रास चुनना है। तो आज के वीडियो में भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का डेटा है, जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 98.81%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 91.4% और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो ओवरऑल 87.69%। और अगर हम बात कर ले अपने मीडियन पैकेज की, तो ओवरऑल मीडियन सीटीसी 20.5 LPA और ओवरऑल एवरेज सीटीसी 27.3 LPA। तो मोटा मोटी बात यह है कि प्लेसमेंट्स इस आईआईटी के भी काफी तगड़े हैं। ऑफ कोर्स आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, तीनों के ही प्लेसमेंट्स बहुत तगड़े हैं। लेकिन अगर तीनों को हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो सबसे तगड़ा आपको आईआईटी बॉम्बे में देखने को मिलेगा, फिर आईआईटी दिल्ली में और उसके बाद आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में मैं खासकर बोलता हूँ कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड जा रहे हो तब मद्रास आपके लिए ठीक है, वरना अगर आप कोर ब्रांचेस ले रहे हो और सिर्फ प्लेसमेंट सोचकर कि मुझे सिर्फ 100% सिर्फ प्लेसमेंट्स ही लेने हैं, तब आईआईटी मद्रास आपके लिए नहीं है, क्योंकि आईआईटी मद्रास के कोर में प्लेसमेंट परसेंटेज की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। क्या रीजन है, किस तरीके का प्लेसमेंट रहता है, तो आप आईआईटी मद्रास का वीडियो देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है। वरना आईआईटी बॉम्बे का कैसा प्लेसमेंट है इसके ऊपर जस्ट नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। फिलहाल मैंने एक ब्रीफ बता दिया कि सबसे पहले प्लेसमेंट्स में आईआईटी बॉम्बे, फिर दिल्ली और उसके बाद आईआईटी मद्रास। अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि किस एस्पेक्ट में और कहां पर दिल्ली सामने निकल कर आता है सबसे आगे, कहां बॉम्बे, कहां मद्रास, सारी चीजें अभी डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हमने देख लिया कि प्लेसमेंट में सबसे आगे आईआईटी बॉम्बे, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर मद्रास। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर आईआईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में क्वालिफाई होते हैं तो जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे और जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 118 रैंक पे। तो आप देख सकते हो भले आईआईटी मद्रास का एनआईआरएफ 1 है और आईआईटी दिल्ली का 2, लेकिन प्लेसमेंट्स तो आईआईटी दिल्ली के ही बेटर है और बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस लेते ही प्लेसमेंट्स की वजह से हैं। तो आप देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ ज्यादा बेटर गया है आईआईटी दिल्ली में आईआईटी मद्रास के कंपेरिजन में। आईआईटी मद्रास में कुछ आपका 148 या उसके आसपास क्लोज हुआ था और यहां पर आईआईटी दिल्ली में आपका 118 रैंक पर क्लोज हो गया फॉर जनरल स्टूडेंट। और आईआईटी बॉम्बे में किस प्रकार का रहने वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। खैर, बाकी सारे ब्रांचेस का आप दिए गए स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईआईटी की तरह इस आईआईटी में भी आपका ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर लगने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट हो, कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा हो और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका भी कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहने वाला है और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट, अगर आपका कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है उस केस में भी आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 13,16,000 के आसपास होने वाला है। और अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है उस केस में हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 5,16,000 के आसपास हो जाएगा। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन पर, मोस्ट अवेटेड सेक्शन। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट कर दूं कि 325 एकर्स का बहुत शानदार, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हमारा इंस्टीट्यूट है। आप जो फैसिलिटी सोच लो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो जिम हो, चाहे वो आप A to Z जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोल दीजिए, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर ले हॉस्टल्स की, तो बीटेक के लिए टोटल 11 बॉयज हॉस्टल्स हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। आपको बॉयज में फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2 सीटर रूम देखने को मिल रहे होंगे और थर्ड और फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स।
वहीं अगर गर्ल्स की बात कर ले तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 3 सीटर रूम्स और थर्ड और फोर्थ ईयर में 2 सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे। आईआईटी दिल्ली ने स्पेस का कंस्ट्रेंट बताया है, जिसमें जितने भी टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं इनके कैंपस में सिर्फ 50% स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिल पाते हैं। हालांकि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को ट्राई किया जाता है मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिल जाए, लेकिन कंपलसरी नहीं है हॉस्टल लेना, आप चाहो तो कैंपस के बाहर भी रह सकते हो। जितने भी आपके रूम्स हैं वो नॉन एसी वाले रूम्स हैं, बट आपके कॉमन रूम्स और डाइनिंग हॉल में आपका एसी प्रोवाइडेड है। हॉस्टल्स के अंदर आपको जिम की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, आपको कैंपस के अंदर बहुत सारे कैंटीन्स कैफेटेरिया देखने को मिल जाएंगे, ताकि अगर आप मेस के खाने सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हॉस्टल के अंदर या फिर कहीं भी नाइट कैंटीन हो गया या फिर कैंपस में कहीं भी जो भी कैंटीन्स कैफेटेरिया हैं अलग अलग जगह जाकर पेड बेसिस पर आप खा सकते हो। बट अगर मेस के खाने की बात कर ले तो बाकी सारे आईआईटी एनआईटी से काफ़ी बेटर खाने की क्वालिटी बताई गई है हमें इस कॉलेज में। तो उम्मीद करता हूँ मेस के खाने से आप असंतुष्ट नहीं हो रहे होंगे, बट फिर भी हमारे अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग कैंटीन्स कैफेटेरिया हैं, क्योंकि मेस का खाना तो रेस्ट्रिक्टेड होता है, आज ये बनेगा आज वो बनेगा, बट कैंटीन्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन मेस का पैसा आप पहले दे चुके हो, कैंटीन का आपको हर बार देना पड़ेगा जब आप जा रहे हो खाने। और अगर हम बात कर ले एक्टिविटीज कैसे हैं, तो जितने भी टॉप के आईआईटीज हैं वहां आपको ना तो किसी टेक्निकल क्लब में कोई कमी दिखेगी, ना ही कल्चरल क्लब में, ना ही टेक्निकल फेस्ट में, ना ही कल्चरल फेस्ट में, ना ही स्पोर्ट्स फेस्ट में। आईआईटी दिल्ली भी बहुत ज्यादा आईआईटी स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेशन दिखाता है, तो स्पोर्ट्स कल्चर भी बहुत सही है इस कॉलेज का। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऊपर से टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो बहुत तगड़ा आपको टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट, फिर टेक्निकल टीम्स और बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है तो बढ़िया कल्चरल फेस्ट भी देखने को मिल ही रहा होगा बहुत तगड़े लेवल पर। अब अगर हम बात कर लें कि आईआईटी मद्रास वर्सेस दिल्ली वर्सेस बॉम्बे, तो प्लेसमेंट में तो हमने बात कर लिया था बॉम्बे, उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद मद्रास। लेकिन अगर सभी के बेस्ट पर डिस्कस कर ले तो आईआईटी मद्रास रिसर्च के लिए, अगर आपको रिसर्च में जाना है मद्रास जाइए। फिर इसके बाद अगर आपको स्टार्टअप कल्चर इंजॉय करना है, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर इंजॉय करना है, तब आईआईटी दिल्ली है आपके लिए। आईआईटी दिल्ली को बताया जाता है कि वर्ल्ड का फोर्थ सबसे बड़ा कॉलेज है यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करने में। इंडिया का नहीं, मैं वर्ल्ड का बोल रहा हूं। सबसे पहले तो आपके स्टैनफोर्ड हार्वर्ड जैसे कॉलेजेस ही आ गए, लेकिन उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका आईआईटी दिल्ली आता है, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है स्टार्टअप कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप एक्सपोजर जैसी चीजें लेनी है, आंख बंद करके आईआईटी दिल्ली। फिर आईआईटी बॉम्बे की बात कर ले, आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, कैंपस लाइफ बहुत सही जीना है, फन एक्टिविटीज करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट आईआईटी बॉम्बे में हो रहा होता है। प्लेसमेंट्स चाहिए आईआईटी बॉम्बे, एक बढ़िया लाइफ कॉलेज लाइफ एंजॉय करना आईआईटी बॉम्बे, रिसर्च बहुत बढ़िया चाहिए आईआईटी मद्रास, आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर, बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप कल्चर एंजॉय करना है आईआईटी दिल्ली। लेकिन अगर हम बात कर लें क्या इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन तीनों कॉलेजेस में, जिस टर्म में भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इन तीनों कॉलेजेस को, क्या अपने अपने फील्ड में बाकी एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही हटके हैं, तो ऐसा नहीं है। 19-20 नहीं, लेकिन फिर भी 18-20 का मैं अंतर बोलूंगा। प्लेसमेंट्स में आपका आईआईटी बॉम्बे काफी आ गया आईआईटी मद्रास से, फिर वहीं रिसर्च में आईआईटी मद्रास काफी आ गया आपके आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे का लगभग रिसर्च कल्चर बराबर आ जाता है। फिर वहीं अगर हम बात कर ले एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आपका आईआईटी दिल्ली काफी आगे है, लेकिन बॉम्बे और मद्रास भी कहीं कम पीछे नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।